नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के समंदर में नहाने पर धारा 144 लगाई जाने के बावजूद लोग उतर रहे हैं नहाने के लिए समंदर में, पुलिस कर रही है कार्यवाही। टैक्स के पैसे नहीं भरते, वापी के रवेसिया पार्क की 10 बिल्डिंग के नल और ड्रेनेज के कनेक्शन काटे गए। उदवाड़ा फ्लाईओवर ब्रिज पर तेज गति से जा रही थी स्विफ्ट कार का हुआ अकस्मात, चालक का हुआ था बचाव। अब समाचार विस्तार से। दमन में जमपोर ब्रिज के समंदर में वापी के दो युवानों को गुरुवार को डूबते हुए बचाने के बाद दमन में समाहर्ता द्वारा नहाने पर लगाए गए प्रतिबंधों को लोग तोड़ते हुए दिखाई देते, पुलिस ने कानून का करवाया पालन। संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन बारियावाड़ के पास समंदर में नहाने उतरे दो युवक पानी की तेज धारा में अचानक डूबने लगे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय मछुआरों को होते पहले तो समंदर के पानी में अपनी नाव उतारकर एक युवक को बचा लिया था, पर दूसरे युवक का पता नहीं चल रहा हो। दमन प्रशासन को जानकारी देते दमन प्रशासन द्वारा कोस्ट गार्ड को जानकारी देकर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू कर दूसरे डूब रहे युवक को भी बचा लिया गया था, जो कि गुरुवार को घटित हुई। इस घटना के बाद शुक्रवार को प्रदेश के समाहर्ता द्वारा 31 अगस्त तक समंदर में नहाने पर धारा 144 लगाई गई थी, जो कि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक समंदर तट पर पहुंचे थे और प्रतिबंध की जैसे कुछ परवाह न कर पर्यटक जान को जोखिम में डालकर समंदर में नहाने की लुत्फ उठाते हुए देखे गए थे, जो कि पुलिस विभाग द्वारा पर्यटकों को समझाने के बाद भी कोई नियमों का पालन न कर रहा हो, सख्ती दिखाकर कानूनी भाषा में समझाकर नहाने के लिए उतरे लोगों को भगाया गया था। गौरतलब है कि जब कोई अघटित घटना होती है तो सभी दोष प्रशासन के ऊपर लगा दिया जाता है, पर जब प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाया जाता है तो उसका खुलेआम उल्लंघन होते फिर सख्ती दिखानी पड़ती है। तो ऐसे में समंदर तट पर नहाने के लिए उतरे लोगों को भी पानी से भगाया गया था और लोगों को जागरूक बनने के लिए भी संदेश दिया गया था। वापी के जेडीसी क्षेत्र में आए रवेशिया पार्क के 10 बिल्डिंगों के टैक्स नहीं भरते, ड्रेनेज एवं नल कनेक्शन को काटा गया हो, बाकी दारों में फैली फफड़ाहट। वापी जेडीसी क्षेत्र में आए हुए रवेशिया पार्क द्वारा लंबे समय से नोटिफाइड में टैक्स नहीं भरा गया हो, नोटिफाइड विभाग द्वारा रवेशिया पार्क के 10 बिल्डिंग के ड्रेनेज और नल काट देते बाकी दारों में फफड़ाहट फैल गया है। नोटिफाइड द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स नहीं भरा गया हो, गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी। वापी जेडीसी क्षेत्र में सभी सुविधाएं लेने के बावजूद कई टैक्स धारकों द्वारा लंबे समय से नोटिफाइड में टैक्स नहीं भरा गया हो, जिसको लेकर नोटिफाइड द्वारा अलग से लिस्ट तैयार कर बाकीदारों को कई बार नोटिस देकर टैक्स भरने के लिए विनती की गई थी, जिसमें से बड़ी संख्या में टैक्स धारकों द्वारा टैक्स भरा गया था, पर कई सारी नोटिस देने के बाद भी रवेशिया पार्क द्वारा ड्रेनेज पानी सहित का टैक्स नहीं भरा गया हो, जिसको लेकर नोटिफाइड विभाग द्वारा रवेशिया पार्क की 10 बिल्डिंगों के ड्रेनेज और नल के कनेक्शन काट दिए गए थे,
जिसको लेकर 200 से ज्यादा फ्लैट धारकों को काफी असर हुई थी। फ्लैट धारकों और बिल्डरों के विवाद की वजह से टैक्स नहीं भरा गया होने का स्थानीय लोगों ने बताया था। उदवाड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज पर घर जल्द पहुंचने की जल्दबाजी में ओवरटेक में कार से संतुलन हटने पर स्विफ्ट डिजायर कार हुई थी पलटी। एक महिला की सतर्कता के चलते कार चालक का हुआ था बचाव। जूनागढ़ के केशोद में रहते कुलदीप भाई मुकेश भाई बहेरा अपनी स्विफ्ट डिजायर का नंबर GJ05CN2579 लेकर मुंबई से वापस अपने घर केशोद जा रहे थे। घर जल्द पहुंचने की जल्दबाजी में ओवरटेक कर अपनी कार चला रहे थे। उस दौरान उदवाड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज पर ओवरटेक करते ब्रेक करते ही स्टीयरिंग पर से संतुलन हटते कार 3 से 4 बार पलटियां खाकर शीर्षासन की स्थिति में आ गई थी। मोबाइल का न्यूसेंस फिर से एक बार सामने आया है। हाईवे से पसार होते लोग कार में कोई है या नहीं उसकी परवाह किए बगैर सिर्फ कार का फोटो या सेल्फी लेकर वहां से पसार होते दिखाई दिए थे। ऐसे वक्त में एक महिला की सतर्कता काम आई थी जिसको लेकर कार सवार की जान बच गई थी। पार्टी से वापी की ओर जा रहे नैनाबेन कामले की नजर इस कार पर पड़ती। अंदर जाकर देखते कार में कोई होने का अंदाजा लगाकर तुरंत ही आवाज लगाते आसपास से पसार होते लोगों ने इकट्ठा होकर काफी जद्दोजहद के बाद कार चालक को बाहर निकालते कार चालक का बचाव हुआ था। उसी दौरान पार्टी पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक की समस्या को दूर किया था। अरे अबे बीच में से होके आ जाओ। अरे पानी से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। કુલદીપ મારું નામ અને આગળ ખટાડો આવેલો બરોબર અને મેં બ્રેક મારી મારી બ્રેક ચોટી ગઈ અને એમાં પલટી ખાઈ ગઈ કરી બાજુમાં હે ને આગળથી એક મેડમ આવેલા એને મને હે ને બહાર કાઢેલો દરવાજો તોડીને બે વાર હે ને ગાડીને પલટી ખાઈ ગઈ એ લોકોએ હે ને મને આવી બહાર કાઢેલો હું એકલો જ હતો પલટી ખાધીને પરબરો હે ને હું બહાર નીકળ્યો ને એટલે મેડમે હે ને દરવાજો તોડ્યો કાચ તોડ્યો અને પરબરો મને બહાર કાઢ્યો મને બધી ભાર નથી મને કાંઈ લાગેલું નથી બરોબર અને એને બરોબર મેં એને શું મેડમને કીધું કે તું મારો ફોન ઉઠો ફોનમાં મારા બધા કોન્ટેક્ટ ને બધું હતું અને મેં ફોન તો કરવાનું મેં કહું ફોન હા તો ફોન કરવાનો હે ને મારો તો રહી ગયો। वापी में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 150 जितनी रक्त की बोतलें की गई थी एकत्रित। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वर्गस्थ भवेश भाई सोलंकी की याद में राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान शुरू किया गया है, तो उसी के अंतर्गत शुक्रवार को पूरे देश भर में कई शिविरों के साथ राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान का आयोजन कर रही हो। शुक्रवार को वापी में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चले रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के वापी दमन की प्रमुख मितेश भाई वोहरा ने बताया कि ये रक्तदान की पहल शायद भारत में सबसे बड़े रक्तदान अभियानों में से एक है, तो आयोजित इस रक्तदान शिविर में 150 जितनी रक्त की बोतलें एकत्रित की गई थी। आज रोज हमने वी आई ए और दमन के नन्हे मन इंडिया लिमिटेड में दो जगह ब्लड डोनेशन का काम शुरू किया। ब्लड डोनेशन के बारे में इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में कोई भी दान नहीं है। आज दुनिया के किसी व्यक्ति में न तो ये बन सकता है नहीं पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई जन व्यक्ति बना जा सकता है और इस खून जब चाहिए तो खून ही चाहिए उसकी वजह से इसके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा कहा भी जाता है कि इसकी वजह से कैंसर की लोग बार बार रेगुलर अगर कोई डोनर है जो ब्लड डोनेट करता है तो उसको कैंसर नहीं होता ऐसा भी प्रूफ हुआ है। तो
और काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, बार बार हम लोगों को तरह से ब्लड का दुर्भ होते रहते हैं। इसके लिए सब जनता को हमारा निवेदन करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेशन करें और अच्छे पुणे काम में सहभागी बने। દાન અને મહાદાન એ પણ ગુપ્તદાન છે, ત્યારે અનેક સંસ્થાઓ રક્તદાન માટે આગળ આવી રહી છે। આજે વાપી મોબાઈલ એસોસિએશનના લીજા હેઠળ બીજા અનેક એનજીઓ, રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી, લાયન્સ ક્લબ ઓફ વાપી, દમણ મોબાઈલ એસોસિએશન, વીઆઈએ જેવી અનેક સંસ્થાઓ સાથે મળીને આજે આ મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન થયું છે। સર્વે સંસ્થાઓને અભિનંદન આપું છું અને આવા સારા કાર્યોમાં આપણે સૌ સાથે જોડાઈને આવું કામ કરતા રહીએ એવી શુભેચ્છા આપું છું। ઉમરગાંવ તહેસીલ કે સરીગાંવ કે લક્ષ્મી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ કે છાત્રોને કલા મહાકુંભ અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષા કી પ્રતિયોગિતા મેં હિસ્સા લેકર વિજેતા હોતે રાજ્ય કે સાથ સ્કૂલ પરિવાર એવમ अपने परिवार का नाम रोशन करते छात्रों को सभी द्वारा दी गई शुभकामनाएं। कला महाकुंभ के आयोजन से राज्य के आदिवासी क्षेत्र के कलावीरों की प्रतिभा को नई दिशा मिली है। इस कला महाकुंभ की वजह से गुजरात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामना प्राप्त कर रहा है। खेलकूद, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग, कमिश्नर कचहरी, गांधीनगर प्रेरित कला महाकुंभ 2021-22 अंतर्गत श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा ट्रस्ट सूरत संचालित लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल सरीगांव में पढ़ते छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लक्ष्मी विद्यापीठ स्कूल के छात्रों ने आयोजित कला महाकुंभ स्पर्धा में जिला कक्षा पर अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश कक्षा पर पहुंचे थे। उसके बाद राज्य कक्षा पर पहुंचकर अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर स्कूल परिवार एवं छात्रों ने परिवार का नाम रोशन कर गौरव बढ़ाया है। राज्य कक्षा पर 10 जून को लक्ष्मी विद्यापीठ स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था, जिसमें ऋषि अशोक भाई पटेल कक्षा 10 विभाग 15 और 20 में ऑर्गन वादन स्पर्धा में द्वितीय क्रमांक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। राज्य कक्षा पर ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बदले गजेरा परिवार एवं स्कूल परिवार द्वारा शुभेच्छा दी गई थी। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपाल एवं उप प्रिंसिपाल ने बच्चों के उत्साह को देखते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई थी। दमण के समंदर में नहाने पर धारा 144 लगाई जाने के बावजूद लोग उतर रहे हैं नहाने के लिए समंदर में, पुलिस कर रही है कार्यवाही। टैक्स के पैसे नहीं भरते, वापी के रवेसिया पार्क की 10 बिल्डिंग के नल और ड्रेनेज के कनेक्शन काटे गए। उदवाड़ा फ्लाईओवर ब्रिज पर तेज गति से जा रही स्विफ्ट कार का हुआ अकस्मात, चालक का हुआ था बचाव। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।